हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे और आप सभी के चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर वालों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा का पूरा हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। ठीक, आज हम लोग का स्टार्ट होगा हिमेटोलॉजिकल डिजीज का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें देखिए दो तीन पॉइंट है। हिमेटोलॉजिकल डिजीज में एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये सब बहुत ज़्यादा एमसीक्यू होता है, इसमें बन जाएगा दोस्तों। तो मैं ध्यान लीजिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग ज्वाइन हो गए हैं दोस्तों, एक बार पूरा सभी लोग इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए, कम से कम 20 मेंबर तो आ ही जाना चाहिए आज। देखिए, कुछ लोग बोले थे बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए और कुछ लोग बोले थे पीयूसी स्टार्ट करने के लिए, तो जल्दी सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करके और सभी खत्म हो जाएगा। देखिए, आज हम लोग का यूनिट 3 ये चल रहा है, जो हिमेटोलॉजिकल डिजीज। हिमेटोलॉजिकल डिजीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, या फिर यूनिट 3 स्टार्ट किया जाएगा, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 यूनिट 1 से रिविजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दो सब्जेक्ट में से एक कल मैं स्टार्ट कर दूंगा तुरंत। ठीक, आप लोग को जो समझ में आए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन दोनों में से एक जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजिकल डिजीज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा आर ट्रू एक्सेप्ट। सबसे पहले सभी लोग जान लीजिए कि हेमेटोलॉजिकल डिजीज, हिमेटो मीन्स क्या होता है, हिम मीन्स ब्लड, हेमेटोलॉजिकल डिजीज मीन्स होता है ब्लड के बारे में जो हम सब लोग स्टडी करते हैं, वही होता है हेमेटोलॉजिकल डिजीज दोस्तों। और ब्लड हमारे कितने टाइप में होते हैं सभी लोग को पता ही होगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, यही सब होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ये सब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा थ्योरी अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े रहिएगा, बुक वुक अगर लिए होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शंस क्या दिया गया है, इट इज एसोसिएटेड विथ प्लेटलेट्स स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी है, इट काज ए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। ऑप्शन सी है, इट इज ऑफ्टन कंट्रोलेबल बाय इम्यूनो सस्प्रेसिव ट्रीटमेंट, या फिर ऑप्शन डी होगा, इट काज मोर प्रोलॉन्ग्ड हेमोरेज देन हेमोफीलिया। सभी लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा वो होगा, इट काज ए प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक, इसका राइट आंसर ये होगा। कल मैं कुछ होमवर्क दिया था उस लेक्चर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जो कि कुछ लोगों ने बताया था, उसका मैं नाम लेने के लिए बोला था, वो देखिए मैं भूल गया। वो जो लोग बताए थे वो थे पंकज, अभिषेक सोनी, सेजल मिश्रा, दिव्या आंचल मिश्रा, रिया सिंह, सुबोर अली, और भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज किए थे, लेकिन उनका क्वेश्चन से वो नहीं हो रहा था, आंसर जो किए थे वो उनका शो नहीं हो रहा था। तो कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अगर फिर वो लोग मैसेज करके आंसर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उनका जरूर नाम लूँगा। ठीक, आज भी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क, क्योंकि होमवर्क में जब आप लोग देते हैं आंसर तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी ओरल फाइंडिंग्स इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस इंक्लूड डेंटियल डायप्लेसिया, हाइपोप्लास्टिक टीथ, पिगमेंट टीथ, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी लोग जिन्हें लोग ज्वाइन है सभी लोग बताया कीजिए तो अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डेंटियल डायप्लेसिया, इट मींस ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड ब्लड सेल इन बीटा थैलेसेमिया आर टाइपिकली माइक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, या फिर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, या फिर नॉर्मोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, या फिर ऑप्शन डी होगा, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोनिक। तो देखिए चारों ऑप्शंस को ध्यान से सभी लोग और सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्मोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इन ए स्कल रेडियोग्राफ इन सीन इन फाइब्रस डायप्लेसिया थैलेसमिया गैरिया ओस्टी माइलिस पिगेट्स डिजीज। तो जल्दी से सभी लोग देखिए और बताइए इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पीछे देख लेता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा फाइब्रस डायप्लेसिया, इट मींस ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। ठीक, ऑप्शंस को सभी लोग को ध्यान से देखना चाहिए, तब पता चलता है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइंडिंग इन क्लासिकल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शंस देखिए दिया गया है ए ब्लीडिंग इनटू सॉफ्ट टिश्यू मसल्स एंड जॉइंट, या फिर ऑप्शन बी होगा डिक्रीज फैक्टर, या फिर ऑप्शन सी होगा इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर ऑप्शन डी होगा इंक्रीज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जब तक मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूं तब तक आप लोग सभी लोग को सोच लेना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड प्रीमेचर ग्राइंग ऑफ हेयर इज एसोसिएटेड विथ फोलिक एसिड डिफिशियंसी, प्रीनियस एनीमिया, प्ल्यूमर विसन सिंड्रोम, या फिर पैटरसन केली सिंड्रोम। तो चारों ऑप्शंस को सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा पर्निशियस एनीमिया, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपिरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, या फिर इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन, या फिर टाइम, या फिर इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, या फिर इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब आप लोग थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को देखते ही इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, इट मींस ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज द किसिंग डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर इन्फेक्शन मोनोक्यूलियस, या फिर प्राइमरी स्पिल्स, या फिर रिक्वेरेंट एथॉप्स स्टोमेटिस। जल्दी से सभी लोग चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियसिस, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। ठीक, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी ए पेशेंट विद हीमोफीलिया ए मे बी गिवन होल ब्लड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, या फिर फैक्टर वी आई आई कंसेंट्रेट, या फिर फैक्टर आई एक्स कंसेंट्रेट। जल्दी से चारों ऑप्शंस को सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ना ये होगा, ना ये होगा, ना फिर ये होगा। ठीक, तीनों गलत है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सभी लोग जिन लोग यहाँ पे ज्वाइन है वो लोग फिर से एक बार कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, कम से कम 20 लोग से ज्यादा रहना चाहिए तब मजा आता है एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब पता चलता है कौन, उसमें कंपटीशन भी हो जाता है। देखा कीजिए आप लोग वहां पे कौन बता रहा है राइट आंसर सबसे ज्यादा। अभी तो इस टाइम पे दिव्या और सेजल मिश्रा ये दोनों लोग ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन राइट आंसर बताते हैं, मैं डेली देखता रहता हूँ लेकिन पढ़ाने के टाइम पे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। बबलू आते हैं ये तो आईडी के चक्कर में रहते हैं, इनका भी मैं कमेंट कल देख रहा था लाइव चैट का,
तो देखा ये सब मत किया कीजिए, इंस्टा उंस्टा में ज़्यादा आप लोग इस टाइम पे मत बिजी रहिए, क्योंकि इस टाइम पे तो कुछ लोग ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक लड़का देखे हैं ना आप लोग, ट्रेंडिंग में चल रहा है, छोटा सा है, बचपन का प्यार, पता नहीं कौन सा गाना है। तो इसमें मत पड़िए आप लोग, एग्जाम आ रहा है आप लोग के पास, तो आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिए पूरा यूनिट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया होगा आप लोग को कि आप सबसे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया बी इज ड्यू टू फैक्टर बी आई डिफिशियंसी, फैक्टर आई एक्स डिफिशियंसी, प्लेटलेट्स डिफिशियंसी, VITC डिफिशियंसी। चारों ऑप्शंस को एकदम ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग दिमाग लगाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा फैक्टर आई एक्स डिफिशियंसी। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पावल गनल टेस्ट इज पॉजिटिव इन, तो चारों ऑप्शन को सभी लोग ध्यान से देखिए और सोचिए, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। तब तक मैं इसको कॉलम में पैक करता हूं। ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन को सभी लोग ध्यान से देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इन्फेक्शन मोनोक्यूलस। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। ए यंग पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड विथ पैचिक ऑफ ऑल म्यूसिस मेम्ब्रेन मार्जिनल गिविलल हीमोमोरेज एंड विथ ए प्लेटलेट काउंट ऑफ इतना सीसी, दी बीटी एंड क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम आर इंक्रीज, RBC एंड TLC आर नॉर्मल, ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिया गया है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ल्यूकेमिया या फिर हीमोफीलिया। तो चारों ऑप्शंस को सभी लोग देखिए और क्वेश्चन को ना हो तो वीडियो को एक बार रोक के पूरा पढ़ लिया कीजिए और तब सोच लीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ तो जो लोग सुने हो तुरंत जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्योरपेरा। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर किए हुए। पिन पॉइंट हेमोरेज ऑफ लेस देन 1 cm डायमीटर आर नोन एज, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को सभी लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे बताया कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट, ना कि ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ऑफ वैल्यू इन द पोस्टोपरेटिव केयर ऑफ द हीमोफिलिक पेशेंट, विटामिन के, मोनसिल सॉल्यूशन, इम्यूनोकार्पिक एसिड, फैक्टर 8, साइरोप्रेटेट। तो चारों ऑप्शंस को थोड़ा सा देखिए, समझिए और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट मीन्स विटामिन के इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पर्निशियस एनीमिया इज, पर्निशियस एनीमिया है क्या है, इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल, इम्प्रॉपर मैन्यूरेशन ऑफ रेड सेल या फिर कैन बी करेक्ट बाय टेबलेट ऑफ फोलिक एसिड एलोन या फिर कैन बी करेक्टेड बाय आयरन सप्लीमेंट। तो बताइए पर्निशियस एनीमिया क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। फ्रेंड थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो जो मैं बताया था विटामिन के, ये गलत है, एमिनो कैप्रोइक एसिड, ये करेक्ट है ऑप्शन सी। ठीक, तो आप लोग देखिए मिस्टेक हुआ होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे,
पेरसिनियस एनीमिया है, क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पता चल जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर है वो है इम्प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ रेड सेल, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। ठीक, यही होता है हमारा पेरसिनियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हेमोरेज, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा मेलेनोसिस, इट मींस ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। ठीक, इसका ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्रोस्टिंग रेज अल्सरेशन विच नंबर ए परसेंट इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज इंडिकेटिव ऑफ ल्यूसाइटिक पॉलीसाइथेमिया वेरा या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर ऑप्शन डी होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सोचिए समझिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूँ। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोसाइटोपिना इज सीन इन इन्फ्लुएंजा एगारन्युलोसाइटोसिस लीवर किरोसिस या फिर ऑल ऑफ द एबव, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए बी सी, इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन हीमोफीलिया वन विलिब्रेंट डिजीज या फिर हिनोज स्क्लोपिन परफिरा या फिर टीना गिल्टेसिया, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा क्या, सोचिए फिर बताता हूं। फ्रेंड दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, स्क्रीन इधर उधर हो जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन मोनो न्यूक्लियसिस, चारों ऑप्शंस को ध्यान से सभी लोग देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये भी ये भी ये भी, तो राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का भी पेप्टिक अल्सर है, वो सब टाइप का भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, कहीं से भी उठा ले हिमेटोलॉजिकल डिजीज में, तो आप लोग तुरंत देखते ही सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग डेली इस टाइम पे 9 बजे फ्री हो जाया कीजिए, खाना वाना खा के आराम से एकदम रेडी होके चले आइए 9 बजे, हमारे 9 बजे करेक्टली एकदम स्टार्ट हो जाता है डेली। ठीक, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी सिलेबस को कम्प्लीट करवाऊंगा जल्द से जल्द। किसी दिन मैं दो दो लेक्चर ले लूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, एक दिन में दो दो यूनिट खत्म होगा तो और जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टेनिन, तो चारों ऑप्शंस को सभी लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, इनहेबिट हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल या फिर एक्टिवेट हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल या फिर इनहेबिट यच सिक्रेशन या फिर इंश्योर यच सिक्रेशन, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए सभी लोग और जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग दिमाग लगाते रहिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इनहेबिट हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल। ठीक, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इतने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से यार सभी लोग शेयर कर दो, कितना बार बुलवाते हो, जितने लोग आते हो उतना लोग तो कभी लाइक ही जल्दी नहीं करते हो, शेयर करने को बोलता हूँ। सभी लोग तो कम से कम एक न एक ग्रुप में तो जुड़े ही होंगे फार्मेसी स्टूडेंट के, तो जल्दी से एक ग्रुप में शेयर कर देना चाहिए आप लोग को, जिससे आप लोग के फ्रेंड भी आए यहाँ पे जुड़े वो लोग भी एमसीक्यू सॉल्व करें, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।
आप लोग का एहसान ही मानेंगे वो लोग। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज क्लोज बाय ड्रग ड्यूरिंग एपेप्टिक अल्सर। H1, H2, प्रोटॉन पंप, H2 आप प्रोटॉन पंप। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर H2N प्रोटॉन पंप, इट मीन्स ऑप्शन डी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर H2 एंटी हिस्टामिन। काइमिडाइन, ओमिप्रोबिडॉल, पायरिजिपिन या फिर मिसोप्रोस्टॉल। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन का। दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा काइमिडाइन, इट मींस ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है और आगे भी बहुत ज्यादा ये सब काम आएगा। जीपैट, नाइपर, ये सब एग्जाम देंगे तो आगे बहुत ज्यादा आप लोग के काम आने वाला है। तो अभी से ही आप लोग इस पे कमांड बनाए रखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये सब, अभी आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। काइमेटिडाइन, ओमप्रोडजोल, पायरिजिपिन, मिसोप्रोस्टॉल। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सोचिए समझिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर वो होगा ओमिप्राजोल, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो है करेक्ट, ना कि ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटी क्लोनी एनर्जिक। काइमेटिडोन, काइमेटिडिन या फिर ओमिप्राजोल या फिर पायरिजिपिन या फिर मिसोप्रोस्टॉल। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और सोचिए समझिए और बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी तो तुरंत देखते ही समझ जा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हर एक क्वेश्चन को अगर बैठ के मैं हिंदी में समझाते चलूं तो एक क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 ही क्वेश्चन में हम लोग का आधे घंटे से ऊपर बीत जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार आप लोग देखेंगे जो पढ़ रहा हूँ और ऑप्शन को देखेंगे तो समझ जाएंगे इसका राइट आंसर यही होगा। तो 20 से 30 मिनट में 50-60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, वो अच्छा है कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आधे घंटे 40 मिनट सॉल्व करें वो अच्छा है। तो ये आप लोग मत करिएगा, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंग्लिश में ही रहे कोई बात नहीं, समझने की कोशिश किया कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है पायरिजिपिन, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटी क्लो एनर्जिक्स। पायरिजिपिन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटा एसिड। कैमेटिडिन, ओमिप्राजोल, एमजी हाइड्रोक्साइड या फिर मिसोप्रोस्टॉल। तो चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी, एमजी हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर अल्सर प्रोटेक्टिव्स। काइमेटिडाइन, ओमिप्राजोल, सुक्रालफेट या फिर मिसोप्रोस्टॉल। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है सभी लोग को आंसर बताना चाहिए, अगर आप लोग को आए या फिर ना आए लेकिन फिर भी सभी लोग को बताना चाहिए, ये आप लोग के लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं डेली एक ही बात बोलता हूँ कि जितने लोग ज्वाइन है सभी लोग बताते चलिए और बीच बीच में 1-2 बार शेयर कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए और बोल दिया कीजिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रहा है, ज्वाइन होके लाइव चैट में सभी लोग आंसर बताया कीजिए तो वो लोग भी जल्दी से तुरंत आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर सुक्रालफेट, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एच पायरोलिक। तो क्या होगा राइट आंसर, काइमेटिडिन, ओमिप्राजोल, एमोक्सिक्लिनिक या फिर मिसोप्रोस्टॉल।
कल बबलू शायद शेयर भी कर रहे थे, आज तो लग रहा है कोई लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेंबर ज्यादा आ नहीं रहे हैं आज। जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है दिव्या, जल्दी से सभी लोग को बोलो कि शेयर करें। तुम्हें देखते हैं बोलती रहती हो सबसे कि जल्दी से शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोग शेयर किया कीजिए। देखिए वो बोलती रहती है क्योंकि मैं डेली इतने नाइट में आके आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चलाता हूँ, तो आप लोग भी यार कुछ सोचा समझा करो। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा एमॉक्सिक्लिन, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूको प्रोटेक्टिव ड्रग, इनमें से म्यूको प्रोटेक्टिव ड्रग है कौन सा है। देखिए काइमेटिडिन, ओमेप्राजोल, सिक्रोफेट या फिर मिसोप्रोस्टॉल, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सोचिए समझिए और बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कैमेटिडिन होगा या फिर ओमेप्राजोल होगा या फिर सुक्रालेट होगा या फिर मिसोप्रोस्टॉल। फ्रेंड दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर सुक्रालफेट, इट मींस ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, ना कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज जीईआरडी, जीईआरडी क्या है। जीईआरडी का फुल फॉर्म, ये एक होमवर्क दे रहा हूं, जीईआरडी का फुल फॉर्म सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। यहाँ पे नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोग को। तो बताइए जीईआरडी क्या है। जीईआरडी ये है क्या, व्हेन द लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर डज नॉट ओपन, या फिर ये है व्हेन द लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, या फिर ये है व्हेन द एसिड फॉर्म द स्टमक फ्लो बैक टू ओसोफेगस, या फिर ऑप्शन डी है व्हेन एसिड इन द स्टमक इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ए सफिशियंट अमाउंट। बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या है जीईआरडी। जीईआरडी वो है जब एसिड, व्हेन द एसिड फॉर्म द स्टमक फ्लो बैक टू द ओसोफेगस, दिस इज कॉल्ड जीईआरडी। जीईआरडी का फुल फॉर्म अभी यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो खत्म हो तुरंत आप सभी लोग वहां पे आ जाना और जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं उसको आप लोग वहां पे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ ए केमिकल एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई ए सेल एंड इफ द एजेंट एक्ट ऑन द सेम सेल द इफेक्ट इज टर्म एज एंडोक्राइन इफेक्ट, पैराक्राइन इफेक्ट, ऑटोक्राइन इफेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से देखे होंगे तो तुरंत इसका राइट ऑप्शन पता चल गया होगा क्या होगा, क्या ये एंडोक्राइन। अगर आप लोग एंडोक्राइन इफेक्ट सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। नॉन ऑफ द अबव सोच रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब पैराक्राइन इफेक्ट, ऑटोक्राइन इफेक्ट में बताइए कौन सा इफेक्ट है। ऑटोक्राइन इफेक्ट इज करेक्ट, पैराक्राइन इफेक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोकॉइड्स एक्सेप्ट हिस्टामिन, इसोनॉइड, सीरोटोनिन, इंसुलिन। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझिए। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इंसुलिन, इट मींस ऑप्शन डी है वो है करेक्ट। द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी ए सेकेंड हार्मोनल मैसेंजर इन मेनी टिश्यू, साइक्लिक एएमपी, प्रोस्टाग्लैंडिंस या फिर कैल्शियम आयन या फिर एडिनल साइलेस, चारों ऑप्शंस को सभी लोग देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा, दिमाग लगाइए सभी लोग फिर मैं बताऊंगा क्या होगा राइट आंसर।
फ्रेंड दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर साइक्लिक एएमपी, इट मींस ऑप्शन ए है वो होगा करेक्ट। ठीक, देखिए नाइट का सेशन मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे आप लोग का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाए, इसमें से कहीं से भी उठाए तो आप लोग कर लें, और सभी लोग ज़्यादा बोर मत होया कीजिए दोस्तों। कल मैं पूछा था आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, तो कुछ लोग बताए थे कि सर सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, थोड़ा बड़ा सेशन कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसीलिए नाइट में किया हूँ। आराम से सभी लोग लेट के या फिर बैठ के सभी लोग आराम से एमसीक्यू क्वेश्चन देखा कीजिए और लाइव चैट में आंसर बताते हुए आराम से थोड़ा बहुत मस्ती भी कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्ती मत कीजिए, लाइव चैट में मस्ती कीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आके वहाँ पे गलत बात बोल रहा हो तो सभी लोग उसको डांट के भगा दीजिए, नहीं तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आने ही नहीं दूंगा, उसका मैं चैट हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगा। तो जो गलत बात बोले, मैं देख रहा था कल कोई लड़का आया था बोल रहा था, लेकिन आप लोग उसको समझा दिए तो अच्छा किया आप लोग। फ्रेंड दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर साइटोप्लाज्म, इट मीन्स ऑप्शन सी है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर दैट एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर एब्सेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, विटामिन डी, ओस्ट्रोजन। चारों ऑप्शंस को सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो है करेक्ट, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन थायरोट्रोपिन इज ए प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड। देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा हूं उसको आप लोग देखिए, थोड़ा सा पीछे मैं देख लेता हूं, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। द हार्मोन थायरोट्रोपिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ सोमेटोट्रोपिन, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल, या फिर ऑप्शन बी होगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड बाय स्टिमुलिंग लाइपेज एंजाइम सिस्टम, या फिर एनाबोलिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ एबव आ गया है तो ये नहीं कि आप लोग तुरंत ऑल ऑफ एबव उठा के कर दें, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड बाय स्टिमुलिंग लाइपेज एंजाइम सिस्टम, इट मींस ऑप्शन बी है वो ही होगा करेक्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बताया हूं ऑप्शन बी करेक्ट है, क्या आप लोग को भी लगता है कि ऑप्शन बी ही करेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ सोमेटोट्रोपिन। ऑप्शंस को आप लोग देखते नहीं, अगर मैं बता दिया कि ये करेक्ट है तो आप लोग भी तुक्का चला रहे हैं, नीचे देख रहा हूं कि बी ही करेक्ट है। दोस्तों इसका राइट आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन डी है वो ही है करेक्ट, कंफ्यूज मत होया कीजिए आप लोग, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोग को हमेशा याद रहे कि पहले मैं बी बताया था लेकिन लास्ट में बताया कि डी ही करेक्ट होगा, तो ये ऐसे याद रहेगा आप लोग को। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबेटिक मिलेट्स इज डिक्रीज बाय रिमूवल ऑफ द थायराइड, पैराथायराइड, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थायराइड सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, पैराथायराइड सोच रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, पोस्टीरियर थायराइड सोच रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन स्टिमुलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच इज इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, या फिर इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर डिक्रीज इन एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। मेन स्टिमुलेशन प्रोडक्शन ऑफ एडीएच है, क्या है? दिमाग लगाइए और बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो ही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन विच इज इंक्रीज वेसल मेटाबॉलिक रेट, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोजन, थायरॉक्सिन। तो चारों ऑप्शंस को बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ और दिमाग लगा लीजिए आप लोग तब तक। द हार्मोन विच इज इंक्रीज वेसल मेटाबॉलिक रेट इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थायरॉक्सिन, इट मीन्स ऑप्शन डी है वो ही है करेक्ट। ठीक, तो देखिए दोस्तों हम लोग का आज पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड हिमेटोलॉजिकल डिजीज का सभी एमसीक्यू लगभग में खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को लगता है बाकी है तो वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन हो जाइए और फाइल में देखिए लिखा होगा हिमेटोलॉजिकल डिजीज एमसीक्यू पीडीएफ, तो उसमें देखिए पूरा का पूरा एक पीडीएफ अलग है जो कि मैं इसके पहले वाले लेक्चर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें मैं पूरा एकदम और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, तो उसको और इसको दोनों लेक्चर को अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। ये तो हमारा रिविजन चल रहा है, रिविजन में देखिए मैं नया नया क्वेश्चन और भी खोज खोज के ला रहा हूँ कि अगर आप लोग वो भी देखे होंगे और ये भी देख लेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठाए तो आप लोग देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल के लेक्चर में मैं क्या स्टार्ट करूँ, बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 स्टार्ट कर दूँ या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दूँ यूनिट 1 से, या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाए यूनिट 1 से, तो सभी लोग को यहाँ पे नहीं बताना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जब लेक्चर हमारा खत्म हो गया है और आप सब लोग जाइए कमेंट बॉक्स में और जो मैं होमवर्क एक दो दिया हूँ फुल फॉर्म बताने के लिए, पहले सभी लोग उसका फुल फॉर्म बता दीजिए और फिर बताइए कल कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 से रिविजन स्टार्ट किया जाए या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी लोग आपस में डिस्कस करके वहाँ पे जाके एक सब्जेक्ट बताइए, क्योंकि सभी लोग अलग अलग सब्जेक्ट बताते हो तो मैं क्या स्टार्ट करूँ इसीलिए अपने मन से स्टार्ट कर देता हूँ ये सब्जेक्ट। ठीक, अगर सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट बोलेंगे तो जो अच्छा लगेगा मुझे वही स्टार्ट करूँगा कल। ठीक, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड के पास शेयर किया कीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।